मोदी हमेशा मेरी गारंटी मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। हर चीज वो जो कहते गए एक भी अमल में नहीं आया। हम बगैर कहे सारी चीजें अमल में लाई तो ये नहीं चाहते कि मजबूत युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। वो तो उन्होंने सिर्फ डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस पे ही सरकार चलाना चाहती है। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग ऐसी प्रचार करते हैं और ऐसे झूठ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं, ये अब मेरे समझ के बाहर है। 15-15 लाख की बात उन्होंने की लेकिन वो गारंटी भी उन्होंने लोगों को नहीं दिया या उसका उन्होंने अनुष्ठान में नहीं लाया। उन्होंने यही कहा किसानों को हम तुम्हारा दाम दुप्पट करेंगे और उसी के साथ साथ MSP का रेट बढ़ाएंगे। ये जो और उनका जो किसानों की उत्पादन है मुनाफा है वो डबल कर देंगे, ये उन्होंने कहा, वो भी नहीं किया। हर चीज वो जो कहते गए एक भी अमल में नहीं आया। हम बगैर कहे सारी चीजें अमल में लाई। अब हम जो कर रहे हैं 25 गारंटी 5 न्याय है, ये 5 न्याय संबंधित जो है इसको हम करके दिखाएंगे और इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये गारंटीज को पहुंचाएंगे। दूसरी बात, हमारे जो गारंटीज है खास करके हमारी गारंटी पहली ये है कि नौकरी की पक्की गारंटी, भर्ती भरोसा। ये इसलिए कह रहे हैं कि लोग अरे 30 लाख नौकरियां का 30 लाख नौकरियां अभी सरकार में खाली है, इसकी पैसे की बजट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग भरने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए क्योंकि 30 लाख नौकरियां अगर भर दी है तो वो रिजर्वेशन को मिलेगा, उसमें 50% SC ST बैकवर्ड्स इनको मिलेगा या बचा हुआ जो भी है वो सभी जनरल कैटेगरी के लोगों को भी मिलेगा। तो ये नहीं चाहते कि मजबूत युवा मजबूत बने, नौकरी परमानेंट मिले, ये उनकी आशा नहीं है। वो तो उन्होंने सिर्फ डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस पे ही सरकार चलाना चाहती है युवाओं को लेके। और तीसरा, हमारा जो गिग वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज या छोटे मोटे रस्ते पे काम करने वाले, हर घर घर काम करने वाले, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा हम करने जा रहे हैं। और जो युवाओं के एग्जामिनेशन का, वो हमेशा हर जगह पेपर लीक होता है, कैसा लीक होता है मुझे मालूम नहीं। उनके कैंडिडेट अगर नहीं आए या उसका वो हमेशा
एग्जामिनेशन का पक्का पावर नहीं करते, लेकिन हम जरूर इसके लिए पूरी कोशिश करके न्यायपूर्ण लोगों को नौकरी मिले और पेपर लीक न हो, और जो विद्यार्थी मेरिट पे है, जो मेहनत करके पढ़ता है, उसको न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और उसी के साथ युवा रोशनी, ये योजना भी कम से कम युवाओं के लिए 5 करोड़ रुपए हम रखेंगे, ताकि उनको एक ट्रेनिंग दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग हो या एन अप्रेंटिसशिप कोर्स हो या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज है उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये काम करेंगे। तीसरा, आपको और एक मालूम है, दूसरा हमारा महालक्ष्मी, जिसमें हर साल हम एक महिला जो एक परिवार में बड़ी रहती है, कारोबार करती है, उसको हर साल 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख। और हम जनगणना करने के बाद जिन जिन कम्युनिटीज को, जिन जिन कास्ट को न्याय नहीं मिला, उसके बारे में हम उनके अभ्यास के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरी के बारे में, उनके जमीन के बारे में, ये सारी सोच विचार करके एक बहुत बड़ा प्लान बना के हम सभी कम्युनिटीज को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, एससी हो, एसटी हो, बैकवर्ड हो या अपर कास्ट पुअर हो, सबको हम ये न्याय दिलाएंगे। उसी के साथ हमारे शक्ति का सम्मान, यानी हमारे जो छोटे छोटे मिड डे मील वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, इनके लिए हम उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। उनको आज जो मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है, और वो देहात में रहते हैं, आशा वर्कर्स मिड डे मील के स्कूल में काम करते हैं, तो उनकी भी ख्याल रखा जाएगा और उनको भी हम एक सम्मानित, एक उनको सैलरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी, एक अधिकार, ये सावित्रीबाई फुले, आपको मालूम है महात्मा फुले के पत्नी, जिसने महिला एजुकेशन के लिए उन्होंने सारा जीवन बिताया और उन्होंने लोगों से मार खाया, लोग उनको चिढ़ाते रहे कि महिलाओं को ये एजुकेशन दे रही है, तो वो स्वाभिमान के नाम से हम हर डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम बनाएंगे और महिला के लिए एक बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। जब तक महिला सशक्त नहीं बनते तब तक घर नहीं सुधारता। एक घर में अगर महिला सुधर गई या वो अच्छा एजुकेटेड बनी, तो पूरे घर को वो सुधार लेती है, बच्चों को सुधारती है। इस मकसद से कांग्रेस सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं। और उसके बाद एमएसपी का तो मैंने कहा कि सही दाम और कानूनी गारंटी किसानों के लिए हम करेंगे। कर्ज मुक्ति, ये भी हमारा एक मुद्दा है, हम उसको भी टैकल करेंगे। जैसा कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में हमने 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया था किसानों का, वही अंदाज से इस वक्त भी हम काम करेंगे। और ये फसल नुकसान का 30 दिन में हम इसका उसका सीधा उनके खाते में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं,
और ये वायदा भी हम करते हैं। उसी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बारे में भी हमने एक नया नीति बनाकर हमारे आयात निर्यात में किसानों के लिए हम काम करेंगे। और जीएसटी आपको मालूम है, हर चीज में जीएसटी। अब आप एक इंसान को अगर आप खड़ा करेंगे तो उसको हर जगह टैक्स मिलेगा। तो अगर कान को जाएंगे या कोई मोबाइल लेंगे उसको जीएसटी है, टूथपेस्ट को जीएसटी है, और अगर आप हर एसेंशियल कमोडिटीज के लिए उसको जीएसटी है, सर का तेल जीएसटी है, सर से लेकर पैर तक जीएसटी, और गरीबों के बच्चों के लिए बिस्किट कुछ भी अगर थोड़ा सा एक दो दिलाना है वो भी नहीं दे सकते। तो इस जीएसटी का हम पूरा एक बार छानबीन करके जिन चीजों पे हम कर सकते हैं और जो ज्यादातर गरीबों को नुकसान न हो, खाने पीने के दवाई के लिए उनके पास पैसा आए, वैसा देखकर जीएसटी का हम काम करेंगे। लेकिन ये जीएसटी हर चीज पे डाले हैं दूध। उसके बाद में खेती के जितने भी किसानों के जरूरी चीजें हैं उस पर भी ज्यादा जीएसटी है, वो भी हम निकाल देंगे और उसका जीएसटी हटेगा।